हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज़ डिजिटल लाइब्रेरी। मैंने ऑलरेडी बेसिक कैटेगरीज ऑफ लाइब्रेरीज़ के रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो फोर कैटेगरीज ऑफ लाइब्रेरीज़ है, यानी बेसिक कैटेगरीज ऑफ लाइब्रेरीज़ है। तो उसके अलावा अब विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो लाइब्रेरीज है, लाइक वी हैव डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल लाइब्रेरी। सो टॉकिंग अबाउट इट्स डेफिनेशन, वी कैन से अ डिजिटल लाइब्रेरी इज एन ऑनलाइन लाइब्रेरी, इंटरनेट लाइब्रेरी, अ डिजिटल रिपोजिटरी और अ डिजिटल कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन डिजिटल ऑब्जेक्ट। एंड दिस डिजिटल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड स्टिल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, अदर डिजिटल मीडिया फॉर्मेट्स और जिनको हम एक्सेस कर पाते हैं थ्रू द इंटरनेट। लाइक ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की तरह हम इनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जैसे ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में हम फिजिकली विजिट करके डॉक्यूमेंट से रिसोर्सेज हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी कंसेप्ट में हम जो रिसोर्सेज होते हैं, जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ डिजिटाइज्ड कंटेंट एंड द सेकंड इज़ बॉर्न डिजिटल। जो फर्स्ट वन है डिजिटाइज्ड कंटेंट, उसमें प्रिंट मटेरियल जो होता है या फोटोग्राफ्स होते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम डिजिटाइज करके इस डिजिटल लाइब्रेरी पे डाल देते हैं। इसके अलावा जो बॉर्न डिजिटल होता है, बॉर्न डिजिटल मीन्स वो ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, लाइक वी हैव वर्ड प्रोसेसर फाइल्स, वी हैव पावर पॉइंट फाइल्स। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पोस्ट्स होते हैं, उनको भी हम डिजिटल या बॉर्न डिजिटल ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरीज वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन को इसका क्रेडिट दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 1895 में एक इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने नॉलेज गैदर करने के लिए और उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए कदम उठाया। और उसके बाद आफ्टर ए सेंचुरी इन डिजिटल लाइब्रेरीज़ की अहमियत को समझा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग अब विद एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट बुक्स जो है या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस करते थे थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। वैन्यूवर बुश और JCR लेकलाइडर ऐसे दो कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने इस आइडिया को एडवांस किया, यानी उन्होंने सोचा कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। बुश ने इस आइडिया पे काम किया क्योंकि हिरोशिमा पे एक जो बम डाला गया था उसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तबाह हो गई। और इस तबाही को देख के उन्होंने एक मशीन तैयार की। उस मशीन में एक डेस्क था, दो स्क्रीन्स थे, स्विचेस थे, बटन्स थे और एक कीबोर्ड था, और इस मशीन का नाम उन्होंने दिया मेमिक्स। और उसके बाद 1956 में फोर्ड फाउंडेशन ने लेकलाइडर को फंड दिया टू एनालाइज हाउ लाइब्रेरीज कुड बी इम्प्रूव विद टेक्नोलॉजी। ऑलमोस्ट ए डिकेड लेटर, एक डिकेड के बाद हिज बुक एंटाइटल्ड लाइब्रेरीज ऑफ द फ्यूचर, लेकलाइडर की एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था लाइब्रेरीज ऑफ द फ्यूचर इंक्लूडेड हिज विजन। उसमें एक लेकलाइडर का जो विजन था वो इंक्लूड किया गया था, यानी उसने अपना जो विजन था वो इस बुक में लिखा था। एक्चुअली वो एक सिस्टम क्रिएट करना चाहता था कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स का, जिसमें ह्यूमंस जो है वो नॉलेज एक्सेस कर पाए थ्रू इंटरनेट और थ्रू मशीन्स। और लेकलाइडर जो सिस्टम क्रिएट करना चाहता था उसमें थ्री कंपोनेंट्स थे, द कॉर्पस ऑफ नॉलेज, द क्वेश्चन एंड द आंसर। लेकलाइडर ने इस सिस्टम का नाम दिया प्रोकॉग्निटिव सिस्टम। डिजिटल लाइब्रेरीज़ की एक अर्ली एग्जांपल हम एजुकेशन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर बोल सकते हैं। ये एक डेटाबेस है ऑफ एजुकेशन साइटेशन एब्स्ट्रैक्ट्स एंड टेक्स्ट्स, और इसको क्रिएट किया गया था इन 1964 एंड इट वाज मेड अवेलेबल थ्रू डायलॉग इन 1969। एंड दिस डायलॉग इज़ एक्चुअली एन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। एंड दिस टर्म डिजिटल लाइब्रेरी वॉज पॉपुलराइज्ड बाई NSF DARPA NASA डिजिटल लाइब्रेरीज इनिशिएटिव इन 1994। और इसके अलावा वैन्यूवर बुश ने एक ऐसे लिखा था एज वी मे थिंक विच कैम इन 1945, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज है इनको कलेक्ट करके हमें रिसर्चर्स मेमिक्स में रखना चाहिए। और इन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज को इस रिसर्चर्स मेमिक्स में रखने का जो मकसद था, डेट वॉज फ्यूचर यूज़। इसके अलावा जो डिजिटल लाइब्रेरीज़ होती है, डिजिटल लाइब्रेरीज़ के भी टाइप्स होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, नेशनल लाइब्रेरी कलेक्शंस, डिजिटल आर्काइव्स। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज। Now if we talk about the features of digital libraries, there are many features. For example, the first one is no physical boundary, means जो users होते हैं digital library के
उनको जिस तरह से फिज़िकल लाइब्रेरी जो होती है, कोई ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, वहाँ एक यूज़र को विज़िट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, उस तरह से यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी में एक यूज़र को खाली इंटरनेट कनेक्शन और आईसीटी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है इस डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए। सेकेंड फीचर इज़ राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी। इट मीन्स कि जो यूज़र होता है किसी डिजिटल लाइब्रेरी का, वो 24/7 इस इंफॉर्मेशन या इस डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है विथाउट एनी फिजिकल और एनी अदर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन। एंड द थर्ड फीचर इज़ मल्टीपल एक्सेस। इट मीन्स जो रिसोर्सेज होते हैं किसी डिजिटल लाइब्रेरी के, वो साइमल्टेनियसली एक्सेस किए जा सकते हैं बाई नंबर ऑफ पैटर्न्स। फोर्थ फीचर इज़ ईजी इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। इट मीन्स जो यूज़र्स होते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के, वो कोई भी सर्च टर्म इस्तेमाल करके, वर्ड, फ्रेज, टाइटल, नेम, सब्जेक्ट, कोई भी टर्म यूज़ करके एंटायर डिजिटल कलेक्शन रिट्रीव और सर्च कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट फीचर इज़ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। इट मीन्स जो डिजिटल कलेक्शन होती है उसको प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़ बाई ह्यूमन्स। नेक्स्ट फीचर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज इज़ स्पेस। इट मीन्स जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती है वहाँ पे स्टोरेज स्पेस कम पड़ जाती है, जितने डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी में ऐड होंगे उतनी स्पेस कम पड़ जाएगी, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरीज में ऐसा नहीं है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज डिजिटल लाइब्रेरीज में आप बहुत सारी कलेक्शन को स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर डैट वी हैव इज़ एडिड वैल्यू। इट मीन्स अगर कोई फिजिकल इमेज होगी, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा, उसको डिजिटाइज करने के बाद उसकी क्वालिटी इम्प्रूव की जा सकती है, दिस इज़ कॉल्ड एडिड वैल्यू। So guys, this was another category of libraries besides the basic four categories of libraries, and let me inform you in advance that we will be conducting a MCQ quiz on digital libraries soon. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।